हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है, आज की क्लास में हम देखेंगे आपकी थ्योरीज। हम देखने वाले हैं दो थ्योरीज, मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया। पहले हम पेवलो की बात करते हैं। इवान पेवलो ने जो आपकी क्लासिकल कंडीशन थ्योरी दी थी, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया था, और जो दूसरी आपकी थ्योरी है, दूसरी आपकी थ्योरी इसमें थी आपकी बी एफ स्किनर की। और अब हम आज देखने वाले हैं आपकी ट्रायल एंड एरर। बी एफ स्किनर की थ्योरी बिहेवियरिज्म से संबंधित थी, पेवलो की थ्योरी बिहेवियरिज्म से संबंधित थी, और ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है ये भी आपकी बिहेवियरिज्म से संबंधित थी। जिस तरह जो है आपके पेवलो ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में एसआर का प्रयोग किया था, यानी कि स्टिमुलस और आपका फिर रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स के लिए स्टिमुलस का यूज़ किया था, यानी कि पहले आपका स्टिमुलस फिर आपका रिस्पॉन्स। ठीक उसी प्रकार जो है आपके थॉर्नडाइक भी इसमें यही करते हैं। लेकिन जो बी एफ स्किनर की जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी, जो मैंने आपको करवाया था, अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो प्लेलिस्ट में अलग से साइकोलॉजी का फोल्डर बना है, उसमें जाकर आप वो है वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो देखिए, अब जो है बी एफ स्किनर क्या थे, बी एफ स्किनर इन दोनों के अपोजिट थे। बी एफ स्किनर मानते थे कि पहले आपके जो है कुछ काम आपको करना पड़ेगा, उसके बाद आपके इसमें रिजल्ट आएंगे। तो उसने जो एसआर थ्योरी को बिल्कुल भी नहीं माना था। तो वो पहले जो है रिस्पोंडेंट काम करने के उसमें थे कि पहले आपको किसी काम के लिए अनुक्रिया आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। लेकिन जो थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक बिल्कुल जिस तरह से आपकी एसआर जो थ्योरी है, जो आपकी एसआर थ्योरी को जो डिफाइन किया था, जो एसआर बॉन्ड आपका जो बना था, जिसके कारण जो इसको आपके जो है कनेक्टिविज्म की थ्योरी भी कहा जाता है, तो ये भी चीज़ आप लिख लेना, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहेंगे, और दूसरी इसको कनेक्टिविज्म कनेक्शिज्म थ्योरीज भी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये चीज़ आप लिख लीजिए। तो इसने क्या किया था, जो आपका एसआर जो बॉन्ड बनता है, जो एसआर ये थ्योरी है, ये एसआर जो बॉन्ड है, उसको इसने जो है क्या किया, सफल तौर पे जो इसको एक्सपेरिमेंट द्वारा इसको जो है सिद्ध किया। तभी अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि एसआर थ्योरी के जनक कौन है, तो अगर आपसे एसआर थ्योरी पूछा जाए तो फिर आपकी वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो इवान पेवलो द्वारा जो आपके प्रयोग किए गए हैं एसआर के अनुरूप, तो वो आपके नहीं है। एसआर थ्योरी आपकी जो है ये अगर डिफाइन करने की बात आएगी, बॉन्ड की जब बात आएगी, सिद्ध करने की जब बात आएगी, तो सिद्ध इसको किया था आपके यहाँ पे देख लीजिए थॉर्नडाइक द्वारा। तो एसआर थ्योरी किसके द्वारा दी गई, अगर डायरेक्टली एक प्रश्न ये बनता है तो फिर आप कहेंगे इसको कि एसआर थ्योरी आपके थॉर्नडाइक ने दी थी। लेकिन जो एसआर थ्योरी पर ही बेस, यानी कि एसआर पर ही बेस आपके इवान पेवलो का एक्सपेरिमेंट भी था, तो ये चीज़ आपने नहीं भूलनी है। तो ये सारी चीज़ें एक के साथ एक ही जुड़ी है, एक दूसरे के साथ ये कड़ी आपकी बनी हुई है, ये चीज़ आपको थोड़ी सी याद रखनी है। और आज हम देखेंगे थॉर्नडाइक की आपकी जो ये थ्योरी है ट्रायल एंड एरर की, इसको जो है अगर एक स्टोरी के रूप में मैं बताऊं, तो स्टोरी के रूप में जैसे दूसरी थ्योरीज है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और उनके बारे में आपको मैं बताता हूं कि किस तरह से जो इसका संबंध दूसरी थ्योरीज के साथ है, और क्यों मैं अपनी जो पिछली जो वीडियोस थी, अगर आप काफ़ी समय से मेरे साथ जुड़े हैं, क्यों मैं कहता हूं कि आपके जो है इवान पेवलो की बात की जाए, बी एफ स्किनर की बात की जाए, थॉर्नडाइक की बात की जाए, ये सभी बिहेवियरिज्म से संबंधित है। वही जब बिहेवियरिज्म की जब हम बात करते हैं, तो बिहेवियरिज्म जो आपका शब्द है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म आपके कहा जाता है जेबी वॉटसन को, तो जेबी वॉटसन आपके बिहेवियरिज्म से संबंधित थे। लेकिन जो है बिहेवियरिज्म को जो आगे बढ़ाने का काम किया, या कह लीजिए जो आपके जेबी वॉटसन थे, जिन्हें फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है, उन्हीं के कार्य को जो आगे सिद्ध करके, या एक जो है अलग जो लेवल पे ले गए, या फिर इसको जो और ऊंचाइयों तक ले गए, आप जो मर्जी कह लीजिए, वो आपकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी आपकी, और जिसमें कि आपके नाम आता है थॉर्नडाइक का। तो थॉर्नडाइक ने जो है अपने कुछ लॉज दिए हैं लर्निंग के, उन लर्निंग के आधार पर जो है इसको हम कह सकते हैं कि बिहेवियरिज्म की जो बात करते हैं आपके जेबी वॉटसन, उसको जो है अलग ही मुकाम पर ले गए हैं, और उसका एक लेवल जो है उन्होंने अप कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि इवान पेवलो आपके बिहेवियरिज्म से संबंधित थे। इवान पेवलो थे, लेकिन इवान पेवलो ने जो एक्सपेरिमेंट किए वो उनके अपने एक्सपेरिमेंट थे। हालांकि जो है इनके जो एक्सपेरिमेंट थे, इनके एक्सपेरिमेंट आपके जो जेबी वॉटसन ने जो काम किया था, उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन इवान पेवलो भी आपके बिहेवियरिज्म से संबंधित थे, और इवान पेवलो की जो बिहेवियरिज्म के संबंधी जो आपके एक्सपेरिमेंट थे, जो आपके डॉग के ऊपर किया गया था, जिसमें आपके एसआर को ही आपके महत्व दिया गया, यानी कि स्टिमुलस के रूप में, अगर आपको याद हो तो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी, मैंने आपको क्या बताया था, स्टिमुलस के रूप में जो है इवान पेवलो ने क्या किया, इवान पेवलो ने जो खाने को रखा था, यानी डॉग के सामने फूड रखा गया। अब वो फूड क्या कर रहा था, वो फूड आपके जो है उसको रिस्पॉन्स करने के लिए, आपके जो है
उत्तेजित कर रहा था, उद्दीपन के रूप में इसको स्टिमुलस कह लीजिए, स्टिमुलस यानी कि उद्दीपन। उद्दीपन का काम क्या कर रहा था आपके फूड, और उस उद्दीपन से क्या आ रहे थे आपके रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स क्या आ रहा था आपके पास, रिस्पॉन्स आ रहा था सलाइवा। तो यही काम आपका जो है थोंडाइक भी करते हैं, लेकिन जो है थोंडाइक ने इसको सिद्ध किया वो किस बेस पे किया, आपके बिहेवियरिज्म, जो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म जे बी वॉटसन है उनके प्रयोगों के आधार पर इसको जो है एक अलग लेवल पे इसको ले गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कि क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी थी वो आपकी एसआर पे नहीं थी बेस, तो ये एसआर पर ही बेस थी। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, दोनों सारी एक सारी चीज़ें हैं, चाहे बिहेवियरिज्म की बात कीजिए, बिहेवियरिज्म से जे बी वॉटसन भी थे, इवान पेवलो भी आपके बिहेवियरिस्ट थे, और इसी तरह आपके जो है थोंडाइक ने ये काम आगे किया, और थोंडाइक के इसी काम को आगे जो है बी एफ स्किनर द्वारा किया गया, और उसमें बी एफ स्किनर द्वारा मैंने बताया था आपको कि इसमें जो आपका क्या होगा, इसमें जो आपके पास इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें जो काम आपके जो थोंडाइक द्वारा किए गए हैं, इसी थोंडाइक के काम को जो बी एफ स्किनर ने अपने लेवल पर एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन जो उसने एस आर थ्योरी को जो है सहयोग नहीं दिया था, उसने इस बात का खंडन किया कि एसआर थ्योरी आपकी ऐसे नहीं होगी, पहले आपको अनुक्रिया करनी पड़ेगी, तो पहले आपको रिस्पॉन्डेड रहना पड़ेगा, उसके बाद आपके जो इसमें रिजल्ट आएंगे। तो अब हम बात करेंगे ट्रायल एंड एरर थ्योरी में जो आपके लॉ ऑफ लर्निंग जो आपके थोंडाइक द्वारा दिए गए हैं। एक स्टोरी तो आपको मैं सुना सकता हूं कि एक जो है बिल्ली थी, बिल्ली को क्या है एक पजल बॉक्स में डाल दिया, नाम रख लेना यार, जैसे जो स्किनर का स्किनर बॉक्स था, मैंने आपको बताया था कि स्किनर ने किसका यूज़ किया, स्किनर बॉक्स उसको कहा गया जिस बॉक्स का उसने यूज़ किया। उसी तरह आपके जो है थोंडाइक की जब हम बात करते हैं तो थोंडाइक ने क्या किया, थोंडाइक ने यूज़ किया था आपके पजल बॉक्स का। अब देख लीजिए मैंने क्या कहा, पजल बॉक्स का उसने यूज़ किया, और उस पजल बॉक्स में क्या किया, पजल बॉक्स के अंदर एक बिल्ली को डाल दिया, और उसमें कुछ इस तरह से व्यवस्थाएं आपकी की गई कि बिल्ली का जब पैर लीवर पर पड़ेगा उस लीवर के दबने से आपका जो है डोर खुल जाएगा, और जब डोर खुलेगा तो उसको स्टिमुलस के लिए जो बाहर एक जो है मछली का टुकड़ा उसके सामने रख दिया था, तो इस तरह से वो मछली को प्राप्त कर लेती है। और इस तरह से जब वो बार बार ये चीज़ें करती है, बार बार उस बिल्ली को जो है उस पजल बॉक्स में डाल दिया गया, स्टिमुलस के तौर पे उसके मछली का टुकड़ा उसके सामने रख दिया गया, अब जो है वो स्टिमुलस का काम कर रहा था, उसके मछली का टुकड़ा देखकर जो है उसको भूख लगी थी और उसको जो उसको प्राप्त करना था, उछल कूद वो कर रही थी, संयोगवश फिर से उसका जो प्रयोग जो है पेड़ पड़ जाता है। अब धीरे धीरे जो बार बार गलतियाँ करने के बाद धीरे धीरे गलतियाँ किस तरह से हुई, यानी कि पहले वो इधर उधर आपकी चल रही थी, इधर उधर आपकी वो क्रिया कर रही थी, यही क्रिया आपकी अगर देखिए आप बी एफ स्किनर की जो थ्योरीज है उसमें भी आपकी कर रहा था, चूहा आपके वही क्रिया कर रहा था इधर उधर, लेकिन चूहा क्यों कर रहा था, चूहा कर रहा था बाहर निकलने के लिए बिना किसी स्टिमुलस के, और यहाँ पे जो बिल्ली कर रही है यानी यहाँ पे जो कैट आपके जो है क्रिया कर रही है वो किसके आधार पे कर रही है, स्टिमुलस के आधार पे। अगर उसके सामने स्टिमुलस नहीं रखा जाएगा तो ऐसा पॉसिबल है कि वो आपकी क्रिया ना करे, लेकिन जो है जो बी एफ स्किनर कहते थे, बी एफ स्किनर कहते थे कि स्टिमुलस का यूज़ नहीं होना चाहिए आपके लर्निंग के लिए, पहले जो कुछ करना पड़ेगा उसके बाद ही आपको परिणाम उसके मिलेंगे, और परिणाम के तौर पर उन्होंने बात की आपके पनिशमेंट की और या फिर रिवार्ड की कह लीजिए, तो ये आपके रिवार्ड और पनिशमेंट ये आपके कुछ करने के बाद ही आपको मिल सकते हैं, पहले ये कैसे आपको दिया जाए। तो स्टिमुलस के तौर पे अगर आप इसको करेंगे तो ये बात वो नकारते थे बी एफ स्किनर, जो कि मैंने पिछली थ्योरी में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब इसको आप समझ लीजिए, इसको मैं समझाता हूँ कि आपकी स्टोरी वही है कि बिल्ली अंदर डाल दी और उसके बाद जो है धीरे धीरे उसने क्या सीख लिया, अपनी गलतियों से उसने सीख लिया, ट्रायल एंड एरर यानी कि बहुत प्रयासों के बाद धीरे धीरे जो है प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के बात करें, प्रयत्न उसने करती रही और प्रयत्न के साथ साथ क्या हुआ, धीरे धीरे उसने सीख लिया कि सिर्फ इस लीवर के दबाने से दरवाज़ा खुल जाता है, और अंत में क्या होता है कि बाद में वो पहले मान लीजिए उसने 100 गलतियाँ की, धीरे धीरे उसने 80 कर ली, उसके बाद 70 कर ली, 50 कर ली, 40 कर ली, एक टाइम ऐसा आया कि बिल्ली को अंदर बॉक्स में डाल दिया, वो सीधा आपके लीवर दबाती है और लीवर से बाहर आ जाती है। ये तो आपकी स्टोरी है एक जो कि आपके इसमें एक्सपेरिमेंट किया था आपके थोंडाइक द्वारा ट्रायल एरर थ्योरी पे, जो कि आपके जो है ह्यूमन लाइफ पे भी आपके रियल लाइफ में भी आपका सीधे होता है। कैसे सीधे होता है ये चीज़ आप समझ लीजिए, क्योंकि प्रश्न अब जो है ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे कि आपका जो है क्या हुआ कैसे हुआ, और जो आपको ये स्टोरी आपको पढ़ाई जाती है चाहे बीएड में आप पढ़ लो या फिर किसी अगर यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाओ तो वहाँ ये स्टोरी आपको जो है सुनाकर आपका चैप्टर ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन इसको थोड़ा सा अंदर जाके समझ लीजिए कि अगर प्रश्न आपसे डेप्थ में भी पूछा जाए तब भी आप इस प्रश्न को जो है हल कर सको, और वो हल कैसे करोगे, रट्टा मारकर नहीं होगा, समझना पड़ेगा आपको चीज़ों को, और समझ लीजिए एक बार
लॉ ऑफ लर्निंग की जो बात हम करेंगे, यानी कि जो सीखने के जो नियम है, सीखने के जो नियम आपके थोंडाइक द्वारा दिए गए, हालांकि अगर मैं इसको रियलिटी में आप बताऊं तो थोंडाइक ने ये नियम आपके नहीं दिए हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़े या एमएड की बुक्स उठाकर आप देखें, अगर आप थियोरेटिकल इसको पढ़ते हो इस टॉपिक को, तो इसमें अगर आपको लगेगा कि आपको ये लग सकता है, ऐसा मैक्सिमम सभी को लगता होगा कि आपकी ये थोंडाइक ने ये गौण नियम आपके दिए हैं या फिर आपके प्रथम नियम दिए हैं, जिसमें हम इसमें प्राइमरी आपके जो लॉ है और सेकेंडरी लॉ है, इसमें जो हम बात करेंगे इसमें सिर्फ हम प्राइमरी लॉ की बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम में प्राइमरी लॉ से रिलेटेड आपके प्रश्न बनते हैं और रियल लाइफ में भी आपके इन्हीं प्राइमरी लॉ का आपके यूज होता है लर्निंग के लिए। तो ये चीज़ हम थोड़ी सी समझेंगे। अब मैं क्या कह रहा था कि अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में देखोगे तो आप इसमें क्या पाओगे कि इस थोंडाइक ने जो है ये नियम आपके नहीं दिए हैं। थोंडाइक ने क्या किया है, थोंडाइक ने किसी और के प्रयोग के द्वारा इन नियमों को जो इकट्ठा किया है और इसको सिद्ध करने का प्रयास किया है। इन नियम पर जो है, इन जो आपके लॉ ऑफ जितने भी आपके नियम ये दिए गए हैं, तीन नियम आपके हैं, इसमें पहला आपके पास लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा आपके पास लॉ ऑफ इफेक्ट, तीसरा आपके पास लॉ ऑफ, यहाँ पे आपका प्रैक्टिस होगा, ये इफेक्ट नहीं होगा, ये गलती से आपका दो बार लिख दिया है, लॉ ऑफ प्रैक्टिस ही आपका होगा, इसको आप लिख लीजिए। लॉ ऑफ प्रैक्टिस का जो ये नियम है, तो ये तीन तरह के नियम है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में इसको मैं कह लेता हूँ आपको, इसको एक को कहेंगे आप इसमें तत्परता का नियम, लिखना है तो लिख लीजिए, प्रभाव का नियम, और आपके लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट लॉ ऑफ आपके प्रैक्टिस। तो लॉ ऑफ प्रैक्टिस का जो नियम है ये क्या होगा आपके पास, ये आपका अभ्यास का नियम होगा, लिख लीजिए आप ये चीज़ें। लॉ ऑफ प्रैक्टिस का जो नियम है ये आपका अभ्यास का नियम आपका कहलाएगा, लॉ ऑफ इफेक्ट ये आपका प्रभाव का नियम आपका कहलाएगा, और ये आपका लॉ ऑफ रेडीनेस तत्परता, तत्परता का नियम आपका ये कहलाएगा। ये चीज़ें आप थोड़ी सी समझ लीजिए और ये रियल लाइफ में भी आपके काम आने वाली है। थोंडाइक ने इनको क्या किया, अलग अलग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे आपके साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने के उनके जो एक्सपेरिमेंट को इसने एक साथ लाया और इसके आधार पर इसने जो है लॉ ऑफ लर्निंग के जो दो नियम आपने दिखाए, पहले इसने प्राइमरी लॉ आप कह लीजिए, इसमें जो दूसरे आपके इसमें सेकेंडरी लॉज इसमें कह लीजिए। प्राइमरी लॉज की हम बात करें हिंदी में, इसको प्रथम जो नियम आप उसके दिए थे, सीखने के प्रथम नियम उसके क्या क्या थे, तो ये तीन नियम थे, और सेकेंडरी नियम जो आपके इसमें गौण नियम जिसको कहा जाता है हिंदी में, वो आठ तरह के नियमों की बात की गई। कई बुक्स में आठ तरह के दिए गए, कई बुक्स में छः तरह के दिए गए, कई बुक्स में चार ही तरह के वो डिफाइन किए गए, दो दो आपके इकट्ठे कर दिए गए, अलग अलग बुक्स में अलग है, उनको नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आपके लॉ ऑफ लर्निंग में प्रथम जो ये नियम है आपके, जो आपके प्राइमरी जो लॉ है, इनको पढ़ना आपके ज़रूरी है। और यहाँ से आपके कैसे आपको जो है पता चलेगा कि लर्निंग के लिए आपके जो है क्या क्या चीज़ें आपकी ज़रूरी है, इसके ऊपर कैसे काम किया आपके थोंडाइक ने, जो कि आपके बिहेवियरिज्म से ही संबंधित है, जेवी वॉटसन की धारणा को इसने आगे बढ़ाया। हो सकता है आपको ये स्टोरी काफ़ी लंबी लगे और आपको लगे कि इतना ज़्यादा मैं करवा रहा हूँ, लेकिन मेरा ये पर्पज़ रहेगा कि एक बार अगर आप ये वीडियो देख ले उसके बाद स्टोरी तो आपको हर कोई बता देगा, और स्टोरी आपको ऐसे भी याद है कि ट्रायल एंड एरर में केट के ऊपर किया था, और इसी तरह पेवलो ने आपकी एक डॉग के ऊपर किया था एक्सपेरिमेंट, सलाइवा इकट्ठा किया, चूहे के ऊपर आपके जो बीएफ स्किनर ने किया, इनसाइड थ्योरी में आपके जो है उसमें क्या कहते हैं उनको कॉलर द्वारा किया गया था। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें आपको जो है आराम से याद हो जाएगी, लेकिन सीखने वाली बातें ये है और एग्जाम में प्रश्न बनते हैं वो इसी लेवल पर बनते हैं और यहीं से आपके प्रश्न बनते हैं। अब देख लीजिए लॉ ऑफ रेडीनेस की जब हम बात करते हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस क्या कहता है, आपके जो थोंडाइक ने लॉ ऑफ रेडीनेस की बात की तो इसमें क्या कहा कि लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है, रेडीनेस आप इसी शब्द को पकड़ लीजिए, रेडीनेस यानी कि रेडी, किसी भी काम को करने के लिए पहले आप रेडी होने चाहिए, पहले आप तैयार होने चाहिए, पहले आप जो है खुद भी तैयार होने चाहिए, और अगर आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं तो वो भी आपका तैयार होना चाहिए। तो इसमें जो है थोंडाइक आपके क्या कहते हैं कि सबसे पहले जो बच्चा क्या है, फिजिकली आपका सही होना चाहिए, फिजिकली आपका जो है बच्चा आपका बिल्कुल जो है तंदुरुस्त होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए सीखने के लिए। फिजिकली कैसे, फिजिकली मान लीजिए कि पहले तो ये कह लीजिए आपकी अगर कोई आपका फिफ्थ क्लास का बच्चा है तो पहले तो आपका जो है क्या होना चाहिए फिफ्थ क्लास के लिए, उसको जो है रेडी होना है। रेडी कैसे, फिजिकली हो सकता है कि उसका अभी जो है इम्पेयर्ड हो आपका, फिजिकली रूप से वो ठीक ना हो, कोई आपको डिसेबिलिटी हो, इस तरह की जो प्रॉब्लम रहती है, या फिर उसको कहीं बॉडी में पेन हो, सिर दर्द हो। अभी बच्चे जो है बहाने भी लगाते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि कई बार उनको जो रियल में कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपके जो हेल्थ इशू हो, तो फिजिकली अगर वो सही नहीं है तो वो कैसे आपका सीख लेगा। आप जो है किसी बच्चे को बिठाकर ले आना, अगर कोई बीमार बच्चा है उसको बताना कि आप जो है आपको क्या करना है, सिर्फ आपको क्लास अटेंड करनी, सिर्फ बैठे रहो, तो वो कुछ नहीं सीखेगा, सिर्फ वो बैठकर आपका टाइम वेस्ट करेगा। तो फिजिकली उसको रेडी रहना पड़ेगा, मेंटली उसको रेडी रहना पड़ेगा,
तो मेंटली भी आपको जो है इसमें रेडी रहना पड़ेगा। अब मेंटली कैसे रेडी रहेंगे, आपने जो है एक आईक्यू वाला जो फॉर्मूला मैं आपको कई बार करवाता हूँ, जो आपका आईक्यू निकालने का फॉर्मूला है, एम ए अपॉन सी ए मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये इसमें क्या बोलता है, जब आपने प्रश्न अगर आपने देखी हो तो क्या लिखा होता है कि एक 8 वर्ष का बालक, और वो क्या है आपके जो है अगर उसका जो आईक्यू आपका जो है 130 है, तो मान लीजिए कि आपका जो है उसकी मेंटल एज कितनी होगी। तो देखिए उसका जो आईक्यू है, उसकी जो मेंटल एज है, मेंटल एज ये आपका आईक्यू है, अगर उसका जो है आईक्यू मान लीजिए कि 130 है, तो उसका जो है आपके क्रॉनिकल एज उसकी क्या होगी, ये चीज़ कही जाती है। इस तरह से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ये चीज़ आप लिख लीजिए। पहले तो आप ये फॉर्मूला ही याद कर लीजिए, एम ए अपॉन सी ए मल्टीप्लाई बाय 100, इससे आप जो है आईक्यू किसी भी बच्चे का निकाल सकते हैं। अब इसको मैं सिंपल में बताता हूँ, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि आपको मैथ वगैरह ना आता हो, मुझे भी नहीं आता, और हर वीडियो में कई बार आपको मैं बताता हूँ कि मुझे उतना मैथ नहीं आता, लेकिन ठीक ठाक आ ही जाता है। अब देखिए मैं इसको क्या समझाना चाह रहा हूँ, यानी कि एक जो है मान लीजिए 5th क्लास का बच्चा है। अब 5th क्लास के बच्चे की उम्र मान लीजिए आपकी कितनी होती है, मान लीजिए आपकी 11 वर्ष आपकी जो होती है, 5th क्लास के बच्चे की जो आयु आपकी 11 वर्ष है, तो 11 वर्ष की आयु के हिसाब से ही उस क्लास का आपका जो सिलेबस है वो आपका जो इसमें रखा गया है। अब जो है 11 वर्ष के बच्चे को, यानी कि 5th क्लास के बच्चे को अगर आप कह दें कि आप जो है 9th क्लास का, या फिर आप कह लीजिए 10th क्लास का एक जो है मैथ का क्वेश्चन दे दिए, इंग्लिश का क्वेश्चन दे दिए, क्या वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसी तरह जो है रेडी होना चाहिए, कोई भी बच्चा जो रेडी होना चाहिए अपनी एज के हिसाब से उस चीज़ को सीखने के लिए, तभी इसमें कहा गया है लॉ ऑफ रेडीनेस। रेडी किस किस चीज़ के लिए होना चाहिए, तत्परता, यानी तत्परता से आप समझ रहे हो कि उसमें तत्पर रहना चाहिए उस कुछ सीखने के लिए। तत्पर वो कब रहेगा, जब वो पहले आपका फिजिकली सही होगा, उसके बाद मेंटली सही होगा, या फिर सोशल भी आप इसको कह सकते हैं, सोशल यानी एक समाज के हिसाब से, एक दायरे के हिसाब से। मान लीजिए एक डिसेबल बच्चा है आपके पास, और उस डिसेबल बच्चे को क्या है, उसके जितने भी क्लासमेट हैं वो क्या कर रहे हैं, उसको अवॉइड कर रहे हैं, उसका कोई फ्रेंड नहीं है, तो यानी कि सामाजिक तौर पर उसको जो प्रभाव क्या पड़ रहा है उसके ऊपर, वो अकेला रहना सीख रहा है। जब वो अकेला सीख रहा है उसके कारण वो खुद को लोनली फील कर रहा है। अब जब लोनली फील करेगा तो जाहिर सी बात है जब वो मेंटली अपने ऊपर प्रेशर ले लेगा कि मेरे साथ कोई बात नहीं करना चाहता, कोई मेरे साथ बैठना नहीं चाहता, इस तरह से जो है समाज का प्रभाव भी उसके ऊपर रहता है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है डिपेंड करेगी रेडीनेस की। अगर हम बात करेंगे लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है, तो लॉ ऑफ रेडीनेस यह है कि तत्पर रहना चाहिए कोई भी आपके जो सीखने के लिए। जब वो तत्पर रहेगा, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, सोशल हो, इस तरह से इकोनॉमिकल हो, इमोशनल हो, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी आपकी। और जब इन सभी चीज़ों से बच्चा स्टेबल है, कोई भी आपके व्यक्ति स्टेबल है सीखने के लिए, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो एनिमल हो, ये सारी चीज़ें आपकी डिपेंड करेगी लर्निंग के ऊपर। तब कहा गया है कि आपकी जो लर्निंग है, लर्निंग बेस होती है आपकी रेडीनेस पे। तो रेडीनेस आपका लॉ ऑफ रेडीनेस का ये नियम आपका क्या बताता है कि ये सारी चीज़ें आपकी जो है सीखने को प्रभावित करती है। आगे चलेंगे लॉ ऑफ इफेक्ट, किसी भी चीज़ को सीखते हो अगर आप, उसके आपके ऊपर क्या प्रभाव आपका पड़ता है, लॉ ऑफ इफेक्ट। अब देखिए 2-3 तरह से प्रभाव पड़ते हैं। देखिए इसमें प्रभाव आपका कैसा रहेगा, प्रभाव इसमें या तो आपका पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। अगर इसमें आपका प्रभाव पॉजिटिव है, मान लीजिए आपने इस बार एग्ज़ाम की तैयारी की, अभी जो टेट दे रहे हो, सी टेट दे रहे हो, NVS, KVS, आप हो सकता है MP टेट दे रहे हो सकता है आप रीट दे रहे हो सकता है आप DSSSB दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा कि यहाँ से डायरेक्ट आपका एक प्रश्न एग्ज़ाम में आ गया। अब मान लीजिए ये वीडियो आपने एक दिन पहले ही देखी थी एग्ज़ाम के, और आपको ये हेल्प हुई एग्ज़ाम में, और आआपका जो एग्ज़ाम पॉइंट पॉइंट पे हो गया, मान लीजिए 1 से 2 प्रश्न आपके डायरेक्ट यहीं से आ गए। अब आपका क्या प्रभाव पड़ा इस वीडियो को देखकर, प्रभाव ये पड़ा कि आपने जो है नेक्स्ट टाइम जब आप जो एग्ज़ाम की फिर से तैयारी करोगे, तो आप फिर से जो है इस चैनल को ढूंढोगे कि इस YouTube चैनल को देख लेते हैं, वहाँ से प्रश्न डायरेक्ट आ रहे हैं, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट करवाया जा रहा है, तो आप इसको देखेंगे। तो क्या प्रभाव पड़ा, तो आपको हेल्प मिली आपके एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन को करने के लिए जो कि यहाँ पे डायरेक्ट आपको करवाए गए थे। अब हो सकता है कि आपके ऊपर इसके ऊपर पॉजिटिव प्रभाव पड़ा, हो सकता है नेगेटिव प्रभाव पड़ा। एग्जाम्पल के तौर पर अभी जो आपका जून वाला जो टेट हुआ था आपका पीछे, उसमें मैंने एक जो है टेस्ट सीरीज, मैंने इसमें टेस्ट सीरीज कह लीजिए या मॉक टेस्ट कह लीजिए, बिल्कुल एग्ज़ाम से बिल्कुल सुबह, जैसे आज आपका एग्ज़ाम था 12-1 बजे से 2 बजे से, जितने बजे था मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसमें मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, सवेरे मैंने आपके लिए एक मॉक टेस्ट लाया था। जो पुराने स्टूडेंट थे
उस मॉक टेस्ट से डायरेक्ट जो है आपके कितने प्रश्न बने, कम से कम 6 से 7 प्रश्न उसी मॉक टेस्ट से बने जिस स्टूडेंट ने वो सुबह मॉक टेस्ट देखा था, और एग्ज़ाम में जब गए एग्ज़ाम में क्या देखा कि डायरेक्ट उसी मॉक टेस्ट से प्रश्न आ रहे हैं। और मैंने रिप्लाई भी देखे थे कि आपके जो है मॉक टेस्ट बड़ा अच्छा था, उसमें जो है डायरेक्ट आपके प्रश्न बन गए। अब उस मॉक टेस्ट से आपके डायरेक्ट मान लीजिए 6 प्रश्न बने, अब किसी स्टूडेंट ने जो वो देखा था पहली बार देखा था, अब जो बेशक उसने उस टाइम उस चैनल को जो है ज़्यादा ध्यान से नहीं दिया, उसने मॉक टेस्ट देखा और बाद में और चला गया, लेकिन जब एग्ज़ाम के बाद आया फिर उसको क्या रिलाइज हुआ कि इस बार तो मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है। अब उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, पॉजिटिव प्रभाव पड़ा कि जो मॉक टेस्ट डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, अब वो वापस जब आया फिर से उसने चैनल को ढूंढा और फिर सर्च करके देखा कि हाँ यहाँ से डायरेक्ट ये प्रश्न आए थे। अब जो है नेक्स्ट टाइम जब वो तैयारी करने बैठा, और अगर आप अभी की बात करें, अभी आप तैयारी कर रहे हो, तो अब क्या है, अब फिर से आपके ऊपर वो प्रभाव अभी तक आपके ऊपर है कि यहाँ से इस चैनल से डायरेक्ट प्रश्न आपके लिए एग्जाम में आ रहे हैं, तो इस चैनल का आपके ऊपर क्या पड़ा, पॉजिटिव आपका इफेक्ट पड़ा। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि उससे 2-3 दिन पहले मैंने एक और मॉक टेस्ट डाला था, कुछ स्टूडेंट ने वो मॉक टेस्ट देखा है, उसके बाद वो आए नहीं, अब उसमें से आपके डायरेक्ट प्रश्न मान लीजिए नहीं आए, तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, नेगेटिव प्रभाव पड़ा। तो यानी कि आपके लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है कि इसमें जो प्रभाव रहेगा सीखने का या कुछ करने का, किसी चीज़ का आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा, या तो आपका पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, जो कि आपके सीखने की गति को क्या करता है, आपको जो है रीइन्फोर्समेंट देता है, ये चीज़ रख लीजिए, या पनिशमेंट देता है, जो मर्जी कह लीजिए, एक ही बात है। इसी चीज़ों को आगे जो है उसने पनिशमेंट और रीइन्फोर्समेंट की जो बात है वो थॉर्नडाइक के इसी नियमों के आधार पर ये चली थी। बाद में हालांकि बीएफ स्किनर द्वारा इसको जो है थोड़ा और एक्सप्लेन किया गया, तो बीएफ स्किनर ने इन्हीं की थ्योरी को आगे एक्सप्लेन किया था, लेकिन वो एसआर थ्योरी पे बेस पे नहीं किया था, इसको वो नकारते हैं, वो चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी। प्रभाव का नियम आप समझ गए, यानी कि किसी चीज़ को करने से अगर आपको लग रहा है आपको खुशी हो रही है तो वो चीज़ें आप बार बार करोगे, और किसी चीज़ को करने से आपको जो है क्या है उसको दुख हो रहा है या फिर आपको जो है नुकसान हो रहा है तो वो चीज़ आप नहीं करोगे। एग्जाम्पल के तौर पर कह लीजिए, अगर आपने साइकिल चलाना सीखना है, अगर आप साइकिल चलाते चलाते जो है आप खुशी महसूस कर रहे हो कि हाँ मुझे आ गई है, लेकिन चलाते चलाते क्या हुआ, चलाते चलाते आप गिर गए और इतनी ज़ोर से गिरे कि आपकी जो है फ्रैक्चर होगी, आपकी लेग फ्रैक्चर होगी। अब उससे क्या सीखा आपने, गलत प्रभाव पड़ा कि मैं तो अब नहीं चलाऊंगा। अब साइकिल से गिरे थे उस समय फ्रैक्चर हो गया, उसके बाद ना तो आप जीवन में जो है स्कूटी चलाने से भी आप डरोगे, बाइक चलाने से भी डरोगे, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा होता है कुछ जो है वो फिर से आपके ट्राई करेंगे, वो अच्छी बात है, लेकिन जो इसका प्रभाव मैं आपको बता रहा हूँ कि सीखने का क्या प्रभाव आपके पड़ेंगे ज़िंदगी में, लाइफ में, आपके रियल लाइफ में, इस तरह के एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, या तो पॉजिटिव पड़ेगा या फिर आपका नेगेटिव पड़ेगा। आगे देख लेते हैं लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ इफेक्ट, ये दो बार लिख दिया है, ये लॉ ऑफ प्रैक्टिस आपका रहेगा, इसको आप लिख लीजिए। लॉ ऑफ प्रैक्टिस जो आपका है इसमें क्या है, अभ्यास की इसमें बात की गई है, वो यही आपका लॉ ऑफ प्रैक्टिस, ट्रायल एंड एरर, कि बार बार अभ्यास करोगे, अभ्यास करने से क्या होगा, गलतियाँ कम होगी, और जो जब गलतियाँ कम होगी एक समय आपका ऐसा आ जाएंगे कि आपकी परफेक्शन हो जाएगी, और उसके बाद आपकी गलतियाँ जो है बिल्कुल ना के बराबर इसमें हो जाएगी। और यही बात आपकी जो थॉर्नडाइक आपकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी में बताते हैं, जो कि आपकी बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया गया। बिल्ली ने पहले क्या किया, इधर उधर उछल कूद की, काफ़ी समय तक करती रही, संयोगवश जब पेड़ पड़ा दरवाज़ा खुल गया, फिर से उसको अंदर रखा गया, फिर से जो संयोगवश पेड़ पड़ा, फिर दरवाज़ा खुल गया। अब धीरे धीरे उसकी ये गलतियों की जो संख्या है वो आपकी धीरे धीरे कम होगी, लेकिन जो है जब बिल्ली को अंदर रखा गया उसके पीछे भी आपकी 2-3 इसमें जो है कंडीशन रहती है। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी बिल्ली को पकड़ के सीधे आप जो है उसमें पजल बॉक्स में आप डाल दीजिए, जो कि इसका पजल बॉक्स इसने नाम दिया था उस बॉक्स को, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि अगर जो है बिल्ली पहले ही आपके जो है खाना खाकर गई है, या फिर आपका पहले ही वो जो है फुल पेट है, तो फिर वो क्यों आपके एफर्ट करेगी, उसके सामने जैसा मर्जी स्टिमुलस आप रख लो फिर उसकी जो है रिस्पॉन्स नहीं आएंगे। तो इसमें आपका जो है 2-3 चीज़ें आपकी ध्यान रखनी, इसमें जो आपका एक तो बिल्ली पहले तो भूखी होती है, तो इसमें थोड़ा सा ही अपने ध्यान रखना है कि उसके जो रिस्पॉन्स के लिए, उसकी जो क्रिया को लगातार उसके रहने के लिए उसको स्टिमुलस का यूज़ किया गया है, ताकि वो क्या है, ताकि वो सुस्त ना पड़ जाए, या फिर उसके सामने जो मछली का टुकड़ा क्यों रखा गया है, तब रखा है ताकि वो कंटिन्यू अभ्यास वो करती रहे, और वही अभ्यास उसको क्या सिखाएगा, एट लास्ट उसको ये सिखा देगा कि इसी अभ्यास के द्वारा जो है अपनी गलतियों को वो कम करेगी, और धीरे धीरे क्या होगा, डायरेक्ट अब जब उसको जब भूखी बिल्ली को अंदर रखा जाता वो जाकर सीधा आपके जो है लीवर प्रेस कर देती है, और वहाँ से बाहर आकर जो मछली का टुकड़ा उसके सामने रखा जाता है स्टिमुलस के तौर पर, उसको वो प्राप्त कर लेती है। तो आई होप ये आप समझ गए लॉ ऑफ प्रैक्टिस,
लॉ प्रैक्टिस ये वही है जैसे आपके इंग्लिश होता है। इंग्लिश को जब आप बार बार करोगे तो एक टाइम ऐसा होगा आपके ग्रामेटिकल एरर आपके हो जाएंगे कम, और उसी तरह आपकी जो रीजनिंग होता है, रीजनिंग की मैं अपना एग्जांपल दे सकता हूँ। रीजनिंग जब एग्ज़ाम आते हैं तो मैं एग्ज़ाम के समय में करने लगता हूँ, तो मुझे जो है हालांकि ज़्यादा समय नहीं लगता। स्पॉन्टेनियस रिकवरी एक व्यू पॉइंट मैंने, अगर आपको याद हो, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी मैंने एक पॉइंट कहा था आपको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में, बस ये वाला है कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी मेरी हो जाती है। और स्पॉन्टेनियस रिकवरी से क्या होगा कि वही चीज़ें जो पहले मैंने 2 महीने लगाए थे सीखने में, अब वही चीज़ मैं जो है 2 दिन में उसको वापस जो है गेन कर लेता हूँ। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है आपकी जो है आपको जो है वो चीज़ें आपकी परफेक्ट होती जाएगी। तो यही आपके पास लॉ ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि आपके बार बार अभ्यास करने से चीज़ें आपकी जो है और बेहतर इसमें होने लगती है। अब इसी तरह जो इसमें प्रथम जो नियम थे यानी कि प्राइमरी लॉ थे, ये मैंने आपको बता दिए और मैंने अपनी ओर से कोशिश की बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की। अब यही आपके जो है सारी चीज़ें आपके रियल लाइफ में आपकी यूज होती है, ये चीज़ें आप थोड़ी सी समझ लीजिए। और बाकी इसी में जो है थोंडाइक आपके जो क्या कहते हैं, थोंडाइक आपके जो है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात करते हैं। आई होप आपने ये सुना होगा टॉपिक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, इसको भी थोड़ा सा मैं साथ साथ बता देता हूँ, ऐसा पॉसिबल है कि किसी अलग क्लास में ना बताने का मौका मिले तो अभी मैं बता देता हूँ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है। अब जो थोंडाइक ने क्या कहा कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो आपकी लर्निंग है वो आपकी कैसे आपकी ट्रांसफर होगी, 3 इसमें जो है आपके रहेंगे, एक आपकी पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और आपकी 0 ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ये 3 आपने पढ़े हैं, ये आपके थोंडाइक का ही है, इसको भी आपने साथ साथ देख लेना ताकि जो है अगर आपके ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से प्रश्न बने तो ये चीज़ भी आपकी इसमें गलत ना हो। अब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कैसे होगी ट्रांसफर लर्निंग। मान लीजिए कि आपका क्या है, आपने जो है टेट की तैयारी कर रहे हो आप, अब टेट की आप तैयारी कर रहे हो, अब अगर आप टेट के लिए साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, अब जो है सी टेट के लिए भी आपको यही पढ़नी है, तो ये क्या होगा आपके पास पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की, जो चीज़ आप जो सी टेट के लिए पढ़ रहे हो यानी कि जो चीज़ आप टेट के लिए पढ़ रहे हो सी टेट में भी आपको वही आने वाली है। KVS में आपको ये हेल्प करेगा, NVS में आपको ये हेल्प करेगा, UP टेट में ये हेल्प करेगा, MP टेट में ये हेल्प करेगा। ये कहने का पर्पज ये कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आपकी पॉजिटिव इसमें हो रही है। पॉजिटिव की हम बात करें, पॉजिटिव में कोई चीज़ आपको जो हेल्प करेगी उसी चीज़ को आगे करने में, या कह लीजिए कि आपके जो है अगर साइकिल की मैं बात करूँ उसको थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एग्जांपल आपको जो है मैं दे रहा हूँ अपनी ओर से, आई होप आप समझ रहे होगे, लेकिन और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। साइकिल आपने सीखी, साइकिल में क्या है, साइकिल में आपके पास हैंडल है, दोनों हाथ आपके यूज हो गए, राइट। और दूसरा क्या है, आपके पास सीट दी है, सीट भी आपकी जो सिमिलर रहेगी। तीसरा आपका ये हो गया। चौथी अगर हम बात करें ब्रेक देनी है तो ब्रेक भी आपकी जो है हाथ से ही दबाओगे, ये चीज़ें आपकी होगी। तो इसमें 4 पॉइंट आप मान लीजिए। और वहाँ पे आप बाइक में क्या करोगे या स्कूटी मान लीजिए, स्कूटी में क्या करोगे, स्कूटी में हाथ आपको बिल्कुल सेम रखने हैं, सेम ही रखने हैं। उसके बाद आपको जो है इसमें जो है सीट आपको सेम वैसी ही मिलेगी, पोजिशन आपके बैठने की, और जो है ब्रेक भी आपको बिल्कुल सेम ही मिलेगी। तो यानी कि आपका जो चीज़ आपने यहाँ साइकिल चलाती बार सीखी थी, बैलेंस बनाना सीखा था, बैलेंस में इसमें इंक्लूड कर दीजिए, क्या दिक्कत है, बैलेंस लिख लीजिए, बैलेंस बनाना सीखा था, चढ़ना सीखा था, रुकना सीखा था, स्लो कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें जो आपने सीखी थी बिल्कुल एज इट इज़ आपकी यहाँ पे ये स्कूटी में होगी। अब नेगेटिव में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब मान लीजिए आपने जो है यहाँ पे आपने स्कूटी सीखी, इसका ही आप कर लीजिए, क्या कर लीजिए, आप इसमें बाइक ही ले लीजिए। अब जब बाइक है, बाइक में जो आपकी ब्रेक है, ब्रेक आपकी होगी वो फुट में। अब क्योंकि आपने स्कूटी चलाती बार साइकिल चलाती बार क्या सीखा था कि आपने ब्रेक जो है फुट से देनी है, ऐसा नहीं है, बाइक में एक ब्रेक आपकी जो है हाथ में भी होती है, लेकिन वो आपकी आगे वाली ब्रेक होती है, अगर उसको आप दबा दोगे तो आप जो है एकदम सडनली रुक जाओगे और उससे आप जो है गिर भी सकते हैं। तो मोस्टली जो यूज़ होती है वो आपकी फुट ब्रेक होती है आपकी बाइक में। हो सकता है आपको ये आदत हो कि स्कूटी वाली आदत हो, साइकिल वाली आदत हो, एकदम से आपने क्या करना है, राइट हैंड हाइड की, राइट हैंड साइड की जो आपकी ब्रेक होगी उसको आपने खींचनी है। ऐसी आदत हो सकता है आपको जो है बाइक में, ऐसी आदत जब आप यूज़ करेंगे तो वो क्या है आपका नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आपका ये हो जाएगा कि वो चीज़ आपको जो है अब जो है बार बार आपको स्टार्टिंग में क्या कर रहा है, बार बार आप स्टार्टिंग में क्या कर रहे हो, स्टार्टिंग में आप बार बार वो वाली ब्रेक खींच रहे हो जो आपकी आगे की ब्रेक है, और जिसके कारण जो हो सकता है कि आपको जो है नुकसान भी आपका हो जाए, हो सकता है आप गिरी जाए, तो ऐसा हो सकता है, बाकी होना तो नहीं चाहिए। मैं अपनी ओर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी आप इसको समझ लीजिए पॉजिटिव क्या है। अब जो यहाँ पे पॉजिटिव थी जो चीज़ें दोनों, यही पॉजिटिव है, एक सीखी हुई चीज़ आपके जब बाइक में आप आगे वाली ब्रेक लगा रहे हो तो यही आपका नेगेटिव है, क्योंकि बाइक जब आपने रुकना है तो पहले आपको फुट ब्रेक लगानी है जो कि पीछे वाले टायर की होती है, उसके बाद आपका जो है उसमें बाद में आप जो इसको
आगे वाले लगा सकते हो। अगर डायरेक्ट आप आगे वाले ही लगाओगे तो फिर आपका पॉसिबल है कि आप गिर सकते हो। अब जीरो ट्रांसफर अप्लाइड ने इसको मान लीजिए जब हम कार और साइकिल लेके चले या स्कूटी लेके चले तो इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं, व्हीकल ही ले लेते हैं। अब इसका जो है क्या कहते हैं कार सीखने के साथ इसका कोई लिंक नहीं है, तो जीरो ट्रांसफर अप्लाइड ने तो इसके द्वारा आपने जो चीज़ें यहाँ पर सीखी थी आपकी नेगेटिव में चाहे वो पॉजिटिव में उसका जो है कोई आपका प्रभाव नहीं है। आपको कार तो अपने हिसाब से स्टार्टिंग से ही सीखनी पड़ेगी और इनका अपने बीच कोई लिंक आपका नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें आपकी जो है बिल्कुल अलग है कार में, तो ये आपकी जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इसमें होगी। तो अपनी ओर से मैंने प्रयास तो कर दिया आपको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग समझाने का, आई होप आप समझ भी गए होंगे। मुद्दा आप समझ लीजिए, मेरा तो ये है कि मैं रट्टे वाली प्रवृत्ति पर ध्यान नहीं रखता और इसी कारण जो है मैंने आपको कोई डेफिनेशन वगैरह इसमें प्रॉपर नहीं बताई है। बस मेरा पर्पज़ था कि आप समझ लीजिए, जब एक बार आप चीज़ों को समझ लेंगे प्रेशन एग्जामिनर कहाँ से डाल लेगा, जब आपके दिमाग में पहले सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ आपको पता है कि क्या आपका होगा, लॉ ऑफ रेडीनेस की जो बात है आपकी कहाँ की गई है और ये रेडीनेस आपके कैसे प्रभाव डालेगी सीखने के ऊपर, लॉ ऑफ इफेक्ट का आपके क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, लॉ ऑफ इफेक्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा, लॉ ऑफ प्रैक्टिस का आपके क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज़ें आपकी इसमें है। तो प्रभाव आपके ऊपर कैसे पड़ सकता है, पॉजिटिव पड़ेगा या फिर नेगेटिव, इसके अलावा आपका जो है कोई प्रभाव आपका इसमें नहीं रहेगा। बाकी जो है बात की जाए प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस में मैंने आपको बता दिया कि प्रैक्टिस आप जितनी करोगे उतना जो है आपकी क्या क्या है धीरे धीरे गलतियां आपकी इसमें जो है कम हो जाएगी। और प्रैक्टिस का इसमें यह है कि प्रैक्टिस में भी इसमें आपके दो पॉइंट थे जो कि आपको मैंने अभी नहीं बताया, बता देता हूँ साथ साथ। आप इसमें एक लिख लीजिए आपका इसमें यूज़ कर रहे हैं और आपका डिसयूज, यानी कि आपका जो एक टाइम पे जब आप इसको चीज़ों को कर रहे हैं जिस चीज़ की आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो चीज़ आपकी जो है दिन पर दिन बेहतर होती जाएगी, लेकिन जब उन चीज़ों को आप छोड़ दोगे तो उसके बाद जो उसका डिसयूज हो जाएगा मतलब कि उन चीज़ों में जो है फिर से आपकी जो है कमियाँ आपकी शुरू हो जाएगी, जिस चीज़ों में आपकी परफेक्शन आपकी पहले थी अब धीरे धीरे फिर से आपकी जो है आपको वो चीज़ें भूलने लग रही है।